जी हाँ नमस्कार दोस्तों, जब से नेपाल की रहने वाली सोमिया पोखरेल नेपाल में ही खेसारी स्टेज शो पे जा करके और अपने हाथ पे खेसारी लाल यादव जी का टैटू बना दिखा करके वायरल है, तब से पूरे सोशल मीडिया पे ये सोमिया पोखरेल ही छाई हुई है। और दोस्तों आप लोगों से बता दें कि जब से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी इन सोमिया पोखरेल को अपने फिल्म में एज ए हीरोइन का चांस देने का वादा कर दिए, तब से इनकी बेटी कृति अपने पापा यानी खेसारी लाल यादव जी से जिद करने लग गई है कि नहीं पापा, मुझे सोमिया पोखरेल के साथ ही रहना। दोस्तों साथ ही साथ कृति जी ने ये भी कहा कि दूसरे देश से अपने देश में आए मेहमान को भगवान समझा जाता है और पापा सोमिया पोखरेल जी आपको खुद अपना भगवान मानती हैं, इसलिए जब तक आप सोमिया पोखरेल को अपने फिल्म में एज ए हीरोइन का मौका नहीं देंगे तब तक सोमिया पोखरेल हमारे साथ ही अपने घर ही रहेंगी। और दोस्तों आप लोगों से बता दें कि कृति जी ने ये भी कहा कि भले नेपाल की रहने वाली सोमिया पोखरेल है लेकिन पापा आप सोमिया पोखरेल को अपने घर रखिए और मुंबई ले जाइए और इनको हीरोइन बनाइए, और जब तक सोमिया पोखरेल हीरोइन बन नहीं जाती तब तक ये हमारे पास ही हमारे घर रहेंगी।